तुम्हारी रिपोर्ट आई है, तुम्हारा सीआरपी लेवल हाई है। सीआरपी लेवल पापा का, मेरा तुम्हारा पापा का हाई है। तुम्हारा अभी फिर से टेस्ट होगा। अगर तुम्हारा रिड्यूसिंग ऑर्डर में है तो तुम घर जा सकती हो और पापा का ट्रीटमेंट अभी से चालू हो जाएगा। मैं बस घर वालों का यही चाहती हूँ कि हमारे घर वाले सेफ रहे, सब अच्छा रहे, इसलिए मैं बोलते बोलते सांस भी फूल गई मेरी। ठीक है ठीक है, चलो मैं आद्या का देखता हूँ, तुम बैठ के आराम करो। मेरा टेस्ट होने जा रहा है सीआरपी लेवल और बाकी सारे लेवल्स का, कि अगर डिटोरिएटिंग है तो मैं एडमिट होंगी और डिटोरिएटिंग नहीं है तो मैं घर पे क्वारंटाइन होंगी। मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में यही अच्छा लगता है कि प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं, हमें आगे जाके टेंशन नहीं हो, इसलिए राइट मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, वहाँ सांस फूल रही है। तो अभी हम ब्लॉग यहाँ पे रोक रहे हैं, रिजल्ट जैसे ही आएगा कौन एडमिट हो रहा है, कौन घर जा रहा है, कौन कितना क्रिटिकल है, हम आपको अपडेट कर देंगे। एंड गाइस, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर 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 बताना, वी नीड इट राइट नाउ। तो रात के 12:30 बज रहे हैं, ये मयूरी भी एकदम चारों खाने चित है इसके, इसकी भी हालत बुरी हुई पड़ी है, पता नहीं अजीब सा माहौल हो गया है घर का। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे भी शायद एडमिट होना पड़ेगा, पापा मम्मी को एडमिट करके आए हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ कि हमारे साथ क्या चल रहा है, मेरे पास एक 5 महीने का छोटा बच्चा है, एक 60+ कपल है हमारे घर में जिनका इस समय कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, पापा इज़ अंडर सुपरविजन, उनकी किडनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड आई होप एवरीथिंग टर्न्स वेल एंड पापा कम्स बैक टुमारो आराम से। अभी आध्या को लेके वी हैव कम बैक होम, शी इज़ स्लीपिंग अभी किसी तरह, मतलब मैं चाहती थी आप लोगों को दिखाना कि कैसे सुला रहे हम आध्या को, बट मेरे से शूट ही नहीं हुआ, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे वीडियो ऑन करनी है। ये मम्मी पापा का रूम है, ऐसे लॉक किया हुआ है हमने इसको, मेरी तो हिम्मत ही नहीं रही कि हो रही है कि मैं इसको खोलूँ, अंदर जाऊँ, देखूँ, खाली रूम तो मैं देख ही नहीं सकती हूँ। और तुषार की भी बहुत बहुत, क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, प्लीज़